are watching BNS News. आज के हेडलाइंस। कोरिया में इलीगल वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शंस $4 बिलियन तक पहुंच गए। OKX ने 21st बायबैंक और बर्न ऑफ OKB टोकन कंप्लीट किया। यूरोप क्रिप्टो में आगे, US ETF अनसर्टेनिटी के कारण पीछे है। NYDFS ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए बोल्ड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स अनवील किए। डोजकॉइन को फाउंडर्स ने ट्रंप को फ्री स्पीच सप्रेशन के लिए क्रिटिसाइज किया, बिडेन को टैक्स पॉलिसीज के लिए। जब तक को फाउंडर्स पेपल स्टेबल कॉइन्स एम्बिशियस को साइज अप करता है। सॉफ्टबैंक AI में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को पॉज करने के बाद। एंड्रो PNT कैपिटल डिजिटल एसेट स्ट्रेटेजी में $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर रहा है। लेयर 2 स्क्रोल का ZKEVM कुछ वीक्स में लॉन्च होगा। सिस्टम अपग्रेड के लिए मल्टीपल बाइनेंस सर्विसेज का टेम्पररी सस्पेंशन। गूगल ऑथेंटिकेटर्स क्लाउड सिंक का $15 मिलियन क्रिप्टो करेंसी हैक। हांगकांग SFC ने JPEX एक्सचेंज में प्रोब स्टार्ट किया, एक अरेस्टेड। कोरिया कस्टम सर्विसेज ने एक रिपोर्ट रिवील की है कि जिसमें वर्चुअल करेंसी का यूज करके किए गए अनलॉफुल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पिछले साल अकेला $4 बिलियन तक पहुंच गए। रिपोर्ट क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट करता है, जिसमें उसकी लैक ऑफ रेगुलेशंस और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए वल्नरेबिलिटी शामिल है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने September 11th को अपना 21st बायबैक और बर्न प्रोसेस OKB के लिए कंडक्ट किया। OKX ने लगभग 6.14 मिलियन OKB टोकन्स को रीपर्चेज और बर्न किया, जो कि अराउंड $255 मिलियन के बराबर है। यूरोप का प्रोएक्टिव अप्रोच क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस में US के हेजिटेंसी को ओवरशैडो करता है, जबकि यूरोप बिटकॉइन ETFs को एम्ब्रेस करता है। US ग्रिडलॉक्ड रहता है। यूरोप में रेगुलेटरी क्लैरिटी ग्रोथ को फॉस्टर करता है, जबकि US फर्म्स ओवरसीज माइग्रेशन कंसिडर करते हैं। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए न्यू प्रपोज गाइडलाइंस अनवील किए। ये मूव NYDFS के एफर्ट्स का हिस्सा है डिजिटल एसेट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए और टोकन इश्यूएंस के लिए रोबस्ट स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने के लिए, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया। डोजकॉइन के को फाउंडर्स बिली मार्कस ने हाल ही में करंट US प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया। एलन मस्क ने ट्वीट के रिस्पॉन्स में मस्क ने लेगेसी मीडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कंसर्न एक्सप्रेस किए, जैसे एंटिटीज सरप्रेसिंग फ्री स्पीच में ट्रांसफॉर्म किया गया है। टेथर के को फाउंडर्स क्यूगेली कहता है कि पेपाल स्टेबल कॉइन्स एम्बिशियस लार्जली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन्स पर होने वाली पोटेंशियल सेविंग से ड्रिवन है। जब उसने टेथर को फाउंड किया, क्यूगेली जो पेपल्स में भी इन्वेस्ट किया था, उसे ओपन सोर्स ब्लॉकचेन कम्युनिटी के लिए एक चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में सोचा। फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग सॉफ्ट बैंक के फाउंडर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मासायोशी सन AI में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट बैग OpenAI एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। एंड ग्रुप चाइनीज फिनटेक जायंट $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए सेट हैं ANT कैपिटल में, जो उसके डिजिटल एसेट स्ट्रेटजी के सेंट्रल था। ANT को ऑफशोर्स क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए सेटअप किया गया था फॉर्मर एंड एग्जीक्यूटिव यू जुन द्वारा, जो इस साल पहले रिजाइन किया था।